हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कभी भी किसी डेटा सेट के ऊपर कोई रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई किया है तो हाउ कुड यू नो कि आपने जो एल्गोरिथम अप्लाई किया है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है। बेसिकली हम रिग्रेशन की एफिशिएंसी निकालेंगे कि रिग्रेशन कितने बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। सो ये पता करने के लिए आपके मशीन लर्निंग के यूनिवर्स में देर आर मल्टीपल मेट्रिक्स, ठीक है। हम लोग उनमें से 5 मेट्रिक्स आज देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम लोग जो 5 मेट्रिक्स देखने वाले हैं, इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे MAE एज इन मीन एब्सोल्यूट एरर। हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे MSE मीन स्क्वायर्ड एरर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे RMSE रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और उसके बाद वी विल डिस्कस R2 स्कोर। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी बोलते हैं, और लास्टली वी विल डिस्कस एडजस्टेड R2 स्कोर। सो आज के वीडियो का मेन गोल है कि आपको ये 5 मैट्रिक्स के पीछे का मैथ्स समझाना है और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझाना है, और फिर लास्ट में आई विल शो यू कि साइकिटलर्न को यूज करके आप इन मैट्रिक्स को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट मेट्रिक इज MAE, ठीक है। MAE बहुत सिंपल है, आई विल क्विकली शो यू कि अगर आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, लेट्स से हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं जहां पे आपके पास एक इनपुट डेटा है और एक आउटपुट डेटा है, ठीक है। एंड लेट्स से आपके एल्गोरिदम ने ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ किया। लेट्स से दिस इज द रिग्रेशन लाइन। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बनाता हूँ। व्हाट आई विल डू इज जस्ट टू मेक माय पॉइंट क्लियर, मैं थोड़ा दूर दूर पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, और मान लो ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। अब अगर आपको MAE कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका जो लाइन है या फिर आपका जो मॉडल है जितनी गलती कर रहा है वो आपको निकालना है। जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू डेटा इसका वाई वैल्यू इतना है, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडल वाई वैल्यू इतना होना चाहिए। इसका मतलब y1 ये है और y1 हैट ये है। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि हम इसका साइन कंसिडर नहीं करेंगे, इस डिस्टेंस का साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरर दोनों साइड हो सकता है, कुछ पॉइंट्स ऊपर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हो सकते हैं। तो वी विल टेक दिस, वी विल टेक y1 माइनस y1 हैट। यहाँ पे y1 क्या है? डेटा में जो मेरा y था फॉर द फर्स्ट रो, और y1 हैट क्या है? अकॉर्डिंग टू my एल्गोरिदम जो प्रिडिक्शन आया, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट के लिए आपका एक्चुअल वैल्यू इज दिस, बट आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू इज दिस, तो दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y2 हैट। और ऐसा आप हर पॉइंट के लिए करते जाओगे। अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं तो ये नंबर बढ़ करके हो जाएगा yn माइनस y1 हैट का मॉड। अब ये हो गया टोटल एब्सोल्यूट एरर, बट मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज n। नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दूंगा, और इसको थोड़े कॉम्प्लेक्स नोटेशन में अगर आप लिखना चाहो तो MAE वुड बी इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n मॉड ऑफ yi माइनस yi हैट डिवाइडेड बाय n। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस मैट्रिक का, क्योंकि अगर एक ही मैट्रिक परफेक्ट होता तो आप सिर्फ वही यूज करते। यहाँ पे 5-5 है, तो इसका रीजन ये है कि कुछ सेट्स ऑफ डेटा में आपका एक मैट्रिक अच्छा परफॉर्म करेगा और दूसरे सेट्स में कोई दूसरा डेटा मैट्रिक अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप एडवांटेज का बात करो, व्हाट इज द एडवांटेज? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज कि ये जो नंबर आता है जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो एंड में आपको एक नंबर मिलता है,
विच इज बेसिकली द लॉस, मीन एब्सोल्यूट एरर इज द लॉस. आपका काम होता है उस नंबर को कम से कम करना. आपका जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम होगा या कोई भी रिग्रेशन एल्गोरिदम होगा वो हमेशा चाहेगा कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कम से कम आए. क्योंकि सोच के देखो ना, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर जीरो है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला टर्म जीरो है, और ये ऊपर वाला टर्म जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये लाइन हर पॉइंट के ऊपर से पार करे. दैट इज द परफेक्ट सिनेरियो, राइट? तो द होल आइडिया इज टू रिड्यूस द मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो अच्छी होती है वो ये है कि ये जो नंबर आता है एंड में, ये नंबर इज एग्जैक्टली इन द यूनिट्स ऑफ वाई. मतलब कि अगर मान लो आपका एक्स है सीजीपीए और आपका वाई है कि पैकेज कितने का लगेगा इन एलपीए लैक्स पर एनम. ठीक है, तो ये जो आपका एमई आएगा, मान लो ये एमई आया 1.5, तो ये एलपीए में ही आ रहा है. तो मतलब एमई का जो यूनिट है और आपका जो आउटपुट कॉलम का यूनिट है वो सेम रहता है. तो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना कि अभी मेरा मॉडल 1.5 का लॉस दे रहा है, तो सामने वाला भी समझ सकता है कि अच्छा 1.5 एलपीए का लॉस दे रहा है, तो हमें उसको और थोड़ा सा घटाना चाहिए. ठीक है, तो ये आई गेस आपको समझ में आया. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम यूनिट. ठीक है, सेकेंड एडवांटेज इज कि अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर है तो थोड़ा रोबस्ट है ये आउटलायर्स के लिए. दिस इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है. ठीक है, अभी आप आगे जब एमएससी पढ़ोगे मीन स्क्वायर्ड एरर, वहां पे आप देखोगे कि आउटलायर्स के केस में वो बिल्कुल पागल हो जाता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. ठीक है, इसको भी फर्क पड़ता है आउटलायर से, लेकिन कम फर्क पड़ता है, रिलेटिवली कम फर्क पड़ता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज. इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो ये है कि ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, यहाँ पे हम मॉड्यूलस फंक्शन यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स विथ मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसकी वजह से मीन स्क्वायर्ड एरर को आना पड़ा. ठीक है, सो द ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल. और आप बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाते हो लाइक ग्रेडियंट डिसेंट एंड ऑल, जहां पे आपको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके चीजों को निकालना है, वहां पे डिफरेंशिएट ठीक से हो नहीं पाता है. तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव विद एमई. ठीक है, और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एमएससी, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट एमएससी. एमएससी का फुल फॉर्म होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर. ठीक है, और अगर मैं आपको फिर से ड्रॉ करके चीजें दिखाऊं, तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि आपका एम ए वॉज मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट का और डिवाइडेड बाय एन. दिस वॉज एम एस सी, सॉरी एम ए. ठीक है, अब अगर आप बात करो कि एम एस ई क्या होता है, तो एम एस ई में बस आप एक छोटा सा चेंज कर देते हो कि आप रादर देन यूजिंग द मॉड यू यूज द स्क्वायर फंक्शन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आपने इस मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया और उसके बदले आप ले आए स्क्वायर. ठीक है, अगर आपने मेरा लीनियर रिग्रेशन वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने एम एस ई को ही एज आवर लॉस फंक्शन यूज किया था. ठीक है, और वन रीजन वॉज कि स्क्वायर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ is differentiable at all the points, तो कोई problem नहीं होता है. ठीक है, अब अगर आप geometrically visualize करना चाहते हो कि MSE क्या represent करता है, तो let me show you. मान लो कि ये हमारा regression line है. ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से draw करता हूँ इसको, नहीं कर पाया जैसा है वैसा ही रहने देते हैं. अब MSE क्या represent करता है, MSE ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका, ये तो हो गया आपका एम ए, बस इसको स्क्वायर कर देना है. तो आप एक्चुअली ये स्क्वायर फाइंड कर रहे होते हो, दिस स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर्ड डिस्टेंस. लाइक ये हो गया, ये जो भी मैंने स्क्वायर बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है y1 माइनस y1 हैट का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर आप इसका बात करो तो दिस विल बी अ bigger square. ठीक है, अगर आप इसका बात करो तो this would be an even bigger square.
ठीक है। और अगर आप इस वाले का बात करो तो ये हो गया ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो एट द एंड आपका एमएससी क्या कर रहा है, वो इन सारे स्क्वायर्स के एरिया को जोड़ रहा है और उसको मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो जब आप एमएससी के ऊपर काम करोगे तो ये भी आपको एक नंबर ही देगा, और द होल आइडिया विल अगेन बी कि उस नंबर को कम से कम करना है, ठीक है। दैट इज वॉट एमएससी इज, ठीक है। फिर से अगर हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज बहुत क्लियर ये है कि आप इसको लॉस फंक्शन की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट विथ एमएससी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो नंबर आता है फाइनली जब आप एमएससी कैलकुलेट करते हो, तो वो जैसे आपके पास एक्स और वाई में डेटा है, एक्स आपका सीजीपीए है, वाई आपका पैकेज है एलपीए में, तो अगर वाई का यूनिट एलपीए है तो आपके एमएससी का यूनिट एलपीए का स्क्वायर होगा। तो इसको इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मली। मतलब अगर आपका लॉस आ रहा है 11.25, तो आपसे कोई पूछे लॉस कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 11.25, तो सामने वाले को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि अच्छा एलपीए में इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 11.25। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एनीवेज पीपल यूज दिस अ लॉट, ठीक है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि ये आउटलायर्स को बहुत ज्यादा पेनलाइज कर देता है। मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट है लेट्स से यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई पॉइंट अगर और नीचे है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो लॉस फंक्शन है वो बहुत पेनलाइज करता है आउटलायर्स को, और फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आउटलायर के ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली इन शॉर्ट, नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स, ठीक है, ये इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम एमएई में नहीं था। तो वही मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि अलग अलग मेट्रिक्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज आपके पास अलग अलग टाइप का डेटा है। अगर डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स हैं तो यू शुड गो विथ एमएई, अगर कम आउटलायर्स हैं तो यू शुड गो विथ एमएसई, ठीक है। तो ये हो गया एमएससी। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस आरएमएससी, ठीक है। सो आरएमएससी बस इसलिए आया क्योंकि आप नाम से भी समझ में आ रहा होगा, आरएमएससी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एमएससी, मतलब कि रूट ओवर ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दिस इज आरएमएससी। इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल मीन स्क्वायर्ड एरर की तरह ही है। इसका भी ग्राफ डिफरेंशिएबल है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बस इसका एक जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो आरएमएससी जो आउटपुट आता है ये सेम यूनिट में होता है एलपीए, जैसे आपका वाई है एलपीए में, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी हो जाता है। और इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि दिस इज नॉट दैट रोबस्ट टू आउटलायर्स, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो ज्यादातर लोग आरएमएससी यूज करते हैं, स्पेशली अगर आप डीप लर्निंग में घुसोगे तो आरएमएससी बहुत यूज होता है, सबसे ज्यादा इनफैक्ट आरएमएससी यूज होता है। बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जहां पे आप देखोगे एमएससी और एमएई भी यूज हो रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तीनों कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए साथ ही साथ, बिकॉज सिंस यू आर बिगिनर्स शुरू में समझ में नहीं आता कौन सा मेट्रिक आपको ज्यादा हेल्प करेगा। और जब आप डीप लर्निंग जैसे सिनेरियो में काम कर रहे हो, मतलब डीप लर्निंग में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको कोई एक मेट्रिक को पकड़ के उसको मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि सारे लॉस हैं, आपको सारे एरर्स को रिड्यूस करना है। तो वहां पे क्या होता है कि आप सबको साथ में रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक को रिड्यूस करने जाओगे तो दूसरा बढ़ने लग जाता है। तो वहां पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट एनीवेज इस पॉइंट पे, सिंस यू आर बिगिनर्स, आप कभी भी किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, आप सिंपली क्या करो, तीनों निकाल के देख लो, ठीक है। सो ये तो तीन हो गए आपके लॉस फंक्शंस, या एरर फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, जो कि बताता है कि कितनी गलती हो रही है। अब हम मूव करते हैं दो नई चीजों के ऊपर, आर टू स्कोर बोलते हैं, जो ये बताता है कि आपका
मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और वो एक एब्सोल्यूट सेंस में बात होती है कि हाँ भैया इतना अच्छा है, उसको उस नंबर को सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा है या बुरा है। जैसे MSE, MAE, ये नंबर्स कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपका 1.5 LPA है तो ठीक है, ठीक है, वही अगर आपका कोई और सिनेरियो होता, लेट्स से कि आपका स्टीयरिंग एंगल कितना है, 1.5 का एरर आ रहा है व्हाइल क्रिएटिंग अ सेल्फ ड्राइविंग कार, तो यू वुड बी लाइक नहीं, इतने में एक्सीडेंट हो सकता है, राइट right? तो ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। वेयर एज R2 स्कोर जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरा R2 स्कोर 0.72 है, तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.72 अच्छा है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, R2 स्कोर क्या होता है। नेक्स्ट, सो गाइज, R2 स्कोर समझने के लिए हम लोग फिर से एक डेटा सेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड विल टेक द सेम डेटा सेट जो हम अभी तक कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, दैट वी हैव CGPA एज आवर इनपुट कॉलम एंड पैकेज कितने का लगा एज आवर आउटपुट कॉलम, और ये वैल्यूज LPA में है, ठीक है। हमारे पास मान लो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब आई विल एक्सप्लेन R2 स्टोर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपके पास मान लो CGPA का वैल्यू नहीं होता स्टूडेंट्स का, बस आपके पास ये वैल्यू होता कि उनका पैकेज कितने का लगा है, और फिर अगर आपसे कोई पूछता कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बताओ मेरा जब प्लेसमेंट होगा तो मेरा पैकेज कितने का लगेगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता कि पास्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है, उन सबके पैकेज का आप मीन कैलकुलेट कर देते और वही आंसर आप बता देते, लेट्स से 3.4। तो आपसे आके कोई भी पूछता कि बताओ मेरा प्लेसमेंट कितने का होगा, 3.4 LPA, राइट। तो मतलब अगर डेटा कुछ ऐसा है, इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे आपका LPA में पैकेज है और यहाँ पे आपका CGPA है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको बताना होता कि पैकेज कितने का लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास था ये मीन वाला लाइन, मतलब दिस इज वाई मीन, दिस इज वाई मीन, राइट। बट आप ऐसा नहीं करते हो क्योंकि आपके पास CGPA का ऑप्शन है, मतलब आपके पास एक इनपुट है जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका हेल्प लेते हो। और आप हेल्प कैसे लेते हो, आप एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हो, यही तो करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन में, आप एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हो, और ये रिग्रेशन लाइन इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द मॉडल। सो आप यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का CGPA बताते हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आप LPA पैकेज बता सकते हो, ठीक है। अब R2 स्कोर जो होता है वो ये बताता है कि ऑब्वियसली आपके पास जो सबसे खराब ऑप्शन था वो था कि आप सिंपली मीन वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, और आपके पास जो अच्छा ऑप्शन है कि आप लीनियर रिग्रेशन लगाओ और फिर प्रिडिक्शन करो। तो आप क्या करते हो, जब आप R2 स्कोर कैलकुलेट करते हो, तो यू कंपेयर कि आपका लीनियर रिग्रेशन वाला लाइन आपके मीन वाले लाइन से कितना बेटर है। That is what you calculate. R2 score यही होता है। R2 score का नाम coefficient of determination भी है, और इसको कभी कभी literature में goodness of fit भी बोला जाता है, goodness of fit, ठीक है। और इसका exact formula जो होता है वो होता है 1 minus SSR divided by SSM. So SSR क्या है, SSR is sum of स्क्वेर्ड एरर इन द रिग्रेशन लाइन, और SSM क्या है, सम ऑफ स्क्वेर्ड एरर इन द मीन लाइन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीन लाइन ने जितने भी एरर किए हैं, ये जितनी भी गलतियां की हैं, इनको स्क्वेयर करके एड कर देना होता है, दैट इज योर सम SSM, ठीक है। सो यू वुड राइट R2 score is equal to 1 minus, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, divided by I is equal to 1 से N, YI minus YI hat का whole square for the mean वाला line. This is for the mean वाला line, ठीक है, this line. और same आपका यहाँ पे ऊपर आता है, sigma I is equal to 1 से N,
yi माइनस yi हैट का होल स्क्वायर फॉर द रिग्रेशन वाला लाइन एंड दैट इज व्हाट आर टू स्कोर इज. ठीक है, इन शॉर्ट समरी में आपकी मीन लाइन जो आपका वर्स्ट आप कर सकते थे अगर आपके पास कोई डेटा नहीं होता को आप कंपेयर कर रहे हो विथ योर रिग्रेशन लाइन कि आपके वर्स्ट के कंपैरिजन में आपका बेस्ट कितना अच्छा है. ठीक है, अब आर टू स्कोर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं. सो अगर मान लो आपका आर टू स्कोर जीरो है, इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से आपका आर टू स्कोर इज जीरो, इट मींस कि आपका ये वाला टर्म, ये जो पूरा टर्म है, दिस इज इक्वल टू वन, तभी तो वन माइनस वन जीरो होगा. अब ये जीरो कब होगा, ये वन कब होगा, जब आपका रिग्रेशन लाइन जितनी गलती कर रहा है उतना ही मीन वाली लाइन भी गलती कर रहा है, या फिर बोला जाए कि मीन लाइन ने जितनी गलती की आपका रिग्रेशन लाइन भी उतना ही गलती कर रहा है. मतलब कि अगर ये ब्लू लाइन घूम करके रेड के ऊपर आ जाए तो आपका आर टू स्कोर जीरो हो जाएगा. मतलब आपके पास ये जो सी जी पी ए था इसके होने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज आप एट द एंड जो वैल्यू दे रहे हो वो मीन कैलकुलेट करके ही दे रहे हो. तो सी जी पी ए का फायदा क्या हुआ, तो आपका मॉडल सी जी पी ए का फायदा उठा नहीं पा रहा है, तो बहुत ही खराब मॉडल है. ठीक है, तो आर टू स्कोर जीरो उस केस में होगा. अब क्वेश्चन आता है कि आर टू स्कोर वन कब होगा, आर टू स्कोर वन कब होगा, आर टू स्कोर को वन होने के लिए ये जो पूरा टर्म है दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका न्यूमरेटर ये वाला टर्म जीरो हो जाए. और ये टर्म जीरो होने का मतलब है कि आपका जो रिग्रेशन लाइन है वो कोई गलती ही नहीं कर रहा है, रिग्रेशन लाइन का कोई गलती ही नहीं है, सी ये सब कोई गलती ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये ऐसा लाइन है जो हर डेटा पॉइंट से होके गुजर रहा है, द परफेक्ट लाइन. ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि आप जितना परफेक्शन की तरफ मूव करते हो उतना आपका आर टू स्कोर वन की तरफ मूव करता है, और जितना आप खराब की तरफ मूव करते हो, मीन की तरफ मूव करते हो, उतना आपका आर टू स्कोर जीरो की तरफ मूव करता है. तो आई गेस आपको आपका नॉर्थ स्टार मिल गया. आपको आर टू स्कोर कैलकुलेट करके ये मेक श्योर करना होता है कि आप वन की तरफ जा रहे हो रादर देन गोइंग टूवर्ड्स जीरो. जीरो की तरफ जा रहे हो मतलब बहुत खराब है. ठीक है, नाउ अ क्विक क्वेश्चन, थोड़ा सोचो और आंसर करने का ट्राई करो. व्हाट इफ मेरा आर टू स्कोर इज नेगेटिव, बहुत रेयर होता है बट मैंने देखा है मेरे कुछ स्टूडेंट्स का आर टू स्कोर नेगेटिव आते हुए ओवर द ईयर्स. क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये पॉसिबल है. आर टू स्कोर नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो रेशियो है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये जो रेशियो है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन वन, और ये ग्रेटर देन वन सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका SSR, as in sum of squared error for regression line, is greater than SSM. या फिर आप उसको हिंदी में बोलना हो तो आपका SSR ज्यादा है SSM से, मतलब ये हुआ कि आपका regression line आपके mean वाले line से भी ज्यादा गलतियां कर रहा है. So apparently आपने कोई ऐसा line बना दिया है, आपने यहां पे line draw किया, तो obviously ये वाला जो line है ये आपके मीन वाले लाइन से भी खराब परफॉर्म करेगा, और फिर आपका आर टू स्कोर वुड बी नेगेटिव. आर टू स्कोर नेगेटिव आ रहा है, डूब के मर जाओ, मतलब उतना खराब नहीं आना चाहिए. जीरो तक जा रहे हो फिर भी ठीक है, जीरो के पास हो ठीक है, नेगेटिव में जा रहे हो मतलब आपने समझा ही नहीं अपने डेटा को और किसी और टाइप के डेटा पे किसी और टाइप का एल्गोरिदम लगा दिया. वन एग्जाम्पल इज कि आपका डेटा इज हाईली नॉन लीनियर, लाइक योर डेटा इज हाईली नॉन लीनियर, और आपने उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में या आप बहुत खराब परफॉर्म करोगे और आपका नेगेटिव आ जाएगा आर टू स्कोर. तो बट इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है. ठीक है, और एक इंटरप्रिटेशन है आर टू स्कोर का, वो भी मैं आपको बताऊंगा. वो इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स से मेरा आर टू स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 0.80. ठीक है, 0.80, और मेरे पास जो डेटा है वो ये है CGPA और पैकेज कितने का लगा, और मेरा मॉडल जो मैंने ट्रेन किया उसका आर टू स्कोर 80 आ रहा है. तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये ध्यान से सुनना, कि आपका CGPA विच इज योर इनपुट कॉलम इज एबल टू एक्सप्लेन 80% ऑफ वेरियंस
इन एलपीए वाला कॉलम, मतलब आपके एलपीए में डेटा वैरी कर रहा होगा, 1.5 किसी का पैकेज है, 4.5 किसी का पैकेज है, क्यों है, कोई तो रीजन होगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है ये पैकेज में, तो उसका 80% जो एक्सप्लेनेशन है वो सीजीपीए दे रहा है, बाकी के 20% का क्या, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो बाकी का 20% वेरिएशन कहां से आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखो एक और एग्जांपल, लेट्स से सीजीपीए, आईक्यू और एलपीए, ये आपके पास डेटा होता और आपका आर2 स्कोर अभी भी 80 होता, तो इसका मतलब ये होता कि एलपीए में जो वेरिएशन है, डेटा जो फैला हुआ है, उसका 80% एक्सप्लेनेशन सीजीपीए और आईक्यू मिलके दे रहे हैं, बाकी का 20% का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेचुरल कॉज हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इंटरव्यू अच्छा चला गया, या फिर वो बंदा इन जनरल सॉफ्ट स्किल्स उसके अच्छे थे, कुछ भी हो सकता है जो मैथमेटिकली हम कवर नहीं कर सकते, बट 80% का एक्सप्लेनेशन इज कमिंग आउट फ्रॉम सीजीपीए एंड आईक्यू, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको आर2 स्कोर मिलता है तो उस नंबर को रीड ऐसे किया जाता है कि दिस अमाउंट ऑफ वेरियंस इन द आउटपुट कॉलम is being explained by the input columns. इसका यही मतलब है, ठीक है? And that's it. That is what R2 score is. और अच्छी बात ये है कि ये एक general sort of metric है जो across datasets same तरीके का आपको interpretation देता है. अगर 80 है तो आप समझ जाओगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, अगर 20 है तो आप समझ जाओगे कि हाँ अच्छा नहीं हो रहा है. It does not depend कि आपका dataset क्या है, अनलाइक MAE, MSE और RMSE, जहाँ पे डेटा का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. R2 स्कोर में एक एब्सोल्यूट नंबर आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप कितना बढ़िया कर रहे हो वाइल परफॉर्मिंग रिग्रेशन, ठीक है. सो ये हो गया R2 स्कोर. अब इसमें भी एक बुराई है, एक खामी है, वो क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम पढ़ेंगे when we will study adjusted R2 score. So now let me tell you कि R2 score में क्या प्रॉब्लम है. See, R2 score is a good metric, no doubt. बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. द फ्लॉ इज दिस कि मान लो आपके पास एक डेटा है CGPA as input and LPA as output, तो इस डेटा में अगर आप और ज्यादा इनपुट कॉलम्स ऐड करोगे तो आपका R2 स्कोर बढ़ने लग जाता है, ठीक है. क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि जितने ज्यादा इनपुट कॉलम्स आप ऐड कर रहे हो उतना ज्यादा वेरियंस और एक्सप्लेन होगा. जैसे सिर्फ CGPA के साथ अगर 80 था 0.80, तो मतलब आप 80% वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ CGPA. अब मान लो आपने एक और इनपुट कॉलम ऐड कर दिया बाय द नेम ऑफ IQ, तो अब ये बढ़ करके 90 हो सकता है, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर के 90% वेरिएंस LPA का एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. ये तो ठीक है, इस बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अगर आप कुछ इररेलेवेंट कॉलम ऐड करो, जैसे कि टेम्परेचर, मतलब जिस दिन ये कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठा था उस दिन टेम्परेचर कितना था. अब ऑब्वियसली ये इररेलेवेंट फीचर है, मतलब इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए एलपीए के ऊपर. बट अगर आप इस तरह के कॉलम्स ऐड करते हो ना, तब भी क्या होता है कि कभी कभी R2 स्कोर बढ़ जाता है या फिर उतना ही रह जाता है. कायदे से उसको घटना चाहिए, बट हो क्या रहा है, या तो वो बढ़ जा रहा है या तो वो उतने पे ही रुका हुआ है. ये दोनों ही बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है. इसी को हैंडल करने के लिए आता है एडजस्टेड R2 स्कोर, जो हम अभी देखने वाले हैं. सो पहले मैं आपको एडजस्टेड R2 स्कोर का फॉर्मूला बताऊंगा और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करके ये कंक्लूड करेंगे कि कैसे इस फ्लॉ को आप एलिमिनेट कर रहे हो. सो आपका जो फॉर्मूला होता है एडजस्टेड R2 स्कोर का, वो ये होता है. आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस R2 स्कोर n-1 डिवाइडेड बाय n-1-k. दिस इज द फॉर्मूला फॉर R2 स्कोर. अब यहां पे कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं. R2 स्कोर आपका नॉर्मल R2 स्कोर है. n इज नंबर ऑफ रोज, कितने स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास है. k इज टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, मतलब इनपुट आपके पास कितने कॉलम्स है. सो अगर आपके पास सिर्फ CGPA है तो K का वैल्यू 1 है. अगर CGPA प्लस आपके पास IQ है तो K का वैल्यू 2 है. अगर आपके पास CGPA प्लस IQ प्लस टेम्परेचर है तो K का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है.
अब ये फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन है कि ये आर टू स्कोर के उस फ्लॉ को खत्म कर देता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ टू केसेस। सो द फर्स्ट केस इज जब हम कुछ ऐसा कॉलम ऐड कर रहे हैं जो उतना रेलेवेंट नहीं है, फालतू का कॉलम है, जैसे कि हमने टेम्परेचर कॉलम ऐड किया। अब जब टेम्परेचर कॉलम आप ऐड करोगे तो इस फॉर्मूले में क्या होगा कि आपका के जो है वो बढ़ जाएगा, दिस थिंग विल इंक्रीज, और इसके इंक्रीज होने से आपका ये जो पूरा टर्म है ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपका ये वाला टर्म तो कॉन्स्टेंट रहेगा, दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप नंबर ऑफ रोज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। आपका आर टू स्कोर या तो थोड़ा बढ़ेगा या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इररेलेवेंट कॉलम है, मतलब कि ये जो पूरी चीज है ये या तो वही रह जाएगी, कॉन्स्टेंट रह जाएगी, या फिर हल्की सी डिक्रीज करेगी। ठीक है, बट अगर ये हल्की सी डिक्रीज भी करेगी तो ये वाला डिक्रीज ज्यादा है। तो हम अभी के लिए मान लेते हैं जस्ट फॉर दिस डिस्कशन कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ आर टू स्कोर, तो ये ऊपर वाला जो पूरा टर्म है दिस विल बी कॉन्स्टेंट, दिस एंटायर थिंग विल बी कॉन्स्टेंट, बट मतलब न्यूमरेटर आपका कॉन्स्टेंट रह रहा है बट आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा टर्म है ये इंक्रीज कर जाएगा। राइट, न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो बड़ा हो गया, और बड़ा होने की वजह से जब उसको आप वन से माइनस करोगे तो ये जो पूरा टर्म है ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका एडजस्टेड आर टू स्कोर है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो अगर आप कभी भी इस तरह का कॉलम ऐड कर रहे हो जो इररेलेवेंट है तो आपका एडजस्टेड आर टू स्कोर नीचे आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जहां पे हम आई क्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा कॉलम है जो रेलेवेंट है, जिससे आपके एलपीए में चेंजेस आ सकते हैं, तो आप देखते हैं क्या होगा। फिर से आपका के बढ़ेगा और आपका ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ये वाला टर्म अभी भी कांस्टेंट रहेगा, व्हाट अबाउट दिस टर्म, ये टर्म अब सिंस आर टू स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि आपने एक रेलेवेंट कॉलम ऐड किया, तो ये जो पूरा टर्म है ये बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये टर्म बहुत तेजी से नीचे आएगा, और इसका जो नीचे आने की बात है वो इससे भी ज्यादा तेजी से आएगा, मतलब इसमें जो डिक्रीज आएगा वो इसके डिक्रीज से ज्यादा है। राइट, तो अब क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है ये भी नीचे जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो वन माइनस अगर आप कुछ भी घटा रहे हो तो ये वाला टर्म आपका बढ़ जाएगा, मतलब आर टू स्कोर जो एडजस्टेड वाला है वो बढ़ जाएगा। सो जैसे आपने कुछ रेलेवेंट कॉलम ऐड किया आपका आर टू एडजस्टेड भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत रिलायबल मेट्रिक बन जाता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विथ अ सिनेरियो जहां पे आपके पास इनपुट में बहुत सारा डेटा है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हो, तो वहां पे एडजस्टेड आर टू स्कोर निकालना इज अ गुड आइडिया। कायदे से आपको दोनों निकालना चाहिए, अगर आपको दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आर टू स्कोर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और एडजस्टेड आर टू स्कोर इज मोर रिलायबल। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, अब बस हम क्या करेंगे, एक कोड यूज करके ये सारे मेट्रिक्स उसके ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, दैट विल डू नेक्स्ट। सो गाइज, आई हैव डिसाइडेड कि मैं वो सेम डेटा के ऊपर काम करूंगा जिसके ऊपर हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला कोड किया था। सो इट्स द सेम पीस ऑफ कोड एक्चुअली, प्लेसमेंट वाला डेटा है, दो कॉलम्स है, CGPA हमारा इनपुट कॉलम है, पैकेज हमारा आउटपुट कॉलम है, और मैंने एक बार आपको दिखाया था कि ये डेटा कैसे अलाइंड है, सो यू कैन सी लीनियरली अलाइंड है डेटा, तो आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। हमने x और y को एक्सट्रैक्ट किया, स्प्लिट किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल को ट्रेन किया, यहाँ तक तो आई गेस आपको याद होगा, और बिहाइंड द सीन्स दिस इज द लाइन जो लीनियर रिग्रेशन ने ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि MSE कितना है, MAE कितना है, RMSE कितना है, R2 स्कोर कितना है। सो बहुत सिंपल है एक्चुअली, SKLearn में आपको बस फंक्शंस मिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप चाहो तो आप खुद से भी कोड कर सकते हो इन चीजों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, इट्स अबाउट डेटा साइंस। सो विल फर्स्ट इम्पोर्ट, we will write from sklearn
डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर मीन स्क्वायर्ड एरर एंड ऑल्सो आर टू स्कोर। ये तीन चीजें हमने इंपोर्ट कर ली। अब इनमें से कोई भी चीज को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, आपको बस दो चीजें बतानी होंगी, आपका वाई टेस्ट और आपका वाई प्रेड, मतलब आपके टेस्टिंग डेटा में प्रिडिक्शन क्या आया। तो कुछ करना नहीं हमें, हमें बस हमारे मॉडल को लेना है और प्रिडिक्ट कर देना है एक्स टेस्ट के रिजल्ट्स को। ये रहा, ये हमारे एक्चुअल डेटा है 4.10, अगर मैं इसका वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँ तो 3.89 उसका कॉरस्पॉन्डिंग 4.1, यहाँ पे 3.49, द प्रिडिक्शन इज 3.09, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ वाई प्रेड बोल के, लाइक दिस, और ये मेरा वाई टेस्ट है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट कैलकुलेट, आई विल राइट अ फर्स्ट प्रिंट आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे आपको पास करना है वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज। आई एम नॉट श्योर वैल्यूज देने की जरूरत होगी, शायद वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले। और यहाँ पे आएगा वाई प्रेड और ये रहा गाइस आपका 0.28, ये LPA के टर्म्स में, ठीक है। सो 0.28 LPA का ऑन एन एवरेज गलती कर रहा है मेरा मॉडल, ठीक है। सो ठीक है, मतलब अभी इस पॉइंट पे हमें पता नहीं है, द आइडिया इज कि आपको और रिड्यूस करवाना है इसको। लेट्स क्विकली कैलकुलेट द MSE और उसके लिए आपको मीन स्क्वायर्ड एरर को कैलकुलेट करना है और ये रहा 0.12, क्योंकि वो स्क्वायर है तो छोटा हो गया। लेट्स कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू फाइंड आउट रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट आप हमेशा np.sqrt फंक्शन में इस चीज को डाल सकते हो और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो 0.34 आ रहा है, ठीक है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इन LPA, दिस इज LPA, दिस इज नॉट LPA, ठीक है। MAE LPA में आ रहा है, RMSE LPA में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट आर टू स्कोर। सो अगेन आई विल पेस्ट और यहां पे हम लिखेंगे आर टू स्कोर, ठीक है। तो ये हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 0.78। बहुत एपिक नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो CGPA कॉलम है यहाँ पे, ये 78% वेरियंस एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके आउटपुट कॉलम में, दैट इज LPA वाला कॉलम, ठीक है। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एडजस्टेड आटो स्कोर क्या है, एडजस्टेड आर टू स्कोर क्या है, तो बहुत सिंपल है। इट वुड बी, मैं काम करता हूँ, आर टू बोल के इस वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ लाइक दिस। और अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्स टेस्ट है उसका शेप इज दिस 40.1। सो वी वुड राइट द फॉर्मूला इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला 1 माइनस, सो वी वुड राइट 1 माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर में वी हैव टू राइट 1 माइनस आर टू, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ एन माइनस वन, सो एन इज 40 माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस के। सो हम यहां पे लिखेंगे 40 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट कॉलम है, दैट इज CGPA, एंड दिस इज द आंसर 0.77, वेरी क्लोज टू व्हाट वी वर गेटिंग विथ अपना R2 स्कोर, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूं, मैं रैंडमली एक नया कॉलम ऐड करूंगा विच वुड बी रैंडम, उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि R2 स्कोर बढ़ेगा, बट आपका जो एडजस्टेड R2 स्कोर है
वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, टू प्रूव माय पॉइंट, मैं दो अलग केसेस आपको करके दिखाऊंगा। सो पहले मैं अपने डेटा फ्रेम में चेंज कर रहा हूँ और मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ विच इज अ रैंडम कॉलम, ठीक है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि उससे आपके आउटपुट कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और फिर हम आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर टू स्कोर निकालेंगे, एंड यू वुड सी जो मैंने आपको बोला था वो निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी ये मेरा नया सेटअप है, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया अपने पुराने डेटा फ्रेम से, और मैंने एक नया कॉलम बनाया कंप्लीटली रैंडमली, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, ठीक है। और ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम। सो यू कैन सी अब मेरे पास दो इनपुट कॉलम्स हैं। सो देयर इज CGPA, देयर इज रैंडम अंडरस्कोर फीचर बोल के नया कॉलम विच इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू पैकेज। इनफैक्ट आई कैन प्रूव यू, ये देखो जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन रैंडम फीचर एंड पैकेज, इट इज कम्प्लीटली रैंडम, देयर इज नो पैटर्न, ठीक है। सो अब देखो इस डेटा के ऊपर अब हम लोग दोबारा से एक्स वाई एक्सट्रैक्ट करके हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, ठीक है, मॉडल को ट्रेन कराया, मॉडल को फिट कराया, और फिर हमने प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करके वाई प्रेड कैलकुलेट किया, ठीक है। और ये करने के बाद जब मैंने आर टू स्कोर निकाला तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी 0.78। ऊपर जो हमारा आर टू स्कोर था दैट वॉज 0.7807। सो एकदम रैंडम कॉलम ऐड करने पे भी यू कैन सी थोड़ा सा आर टू स्कोर बढ़ा है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। सो अब हमने क्या किया, जब एडजस्टेड आर टू स्कोर निकाला इस नए आर टू स्कोर के साथ, इट इज कमिंग आउट टू बी 76.9, घट गया। देखो हमारा जो एडजस्टेड आर टू स्कोर था दैट वॉज 77.49, और यहाँ पे घट के 76.93 आ गया, कंपनसेट कर दिया उसने, ठीक है। रिड्यूस होना चाहिए था, रिड्यूस हो गया। अब एक और सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आपको, जहां पे मैं फिर से एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, और इस बार मैं एक ऐसा कॉलम ऐड कर रहा हूँ जो जिससे फर्क पड़ेगा हमारे आउटपुट को, ठीक है। सो लेट मी शो यू, दिस इज द कॉलम CGPA IQ पैकेज, ठीक है। अब ये IQ इतना छोटा नंबर क्यों है इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैंने बस नाम रख दिया IQ, बट आई कैन शो यू कि आपका IQ के साथ आपका पैकेज काइंड ऑफ लीनियरली वैरी कर रहा है। सो यू कैन सी कि IQ से फर्क पड़ना चाहिए आपके पैकेज के ऊपर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, फिर से सेम काम किया, मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया इस नए डेटा से, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करके उसको ट्रेन किया और अपना वाई प्रेड कैलकुलेट किया, ठीक है। और अब जब मैंने आर टू स्कोर निकाला, यू कैन क्लियरली सी कि बढ़ के 80 हो गया, क्योंकि होना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलम हमने ऐड किया है जिससे फर्क पड़ेगा हमारे आउटपुट कॉलम के ऊपर। और अब अगर मैं आपको एडजस्टेड आर टू स्कोर निकाल के दिखाऊं, ये हल्का सा बढ़ गया है 78.92, ठीक है। इतना हल्का सा बढ़ने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब आप देखोगे मैंने डेटा कैसे जनरेट किया तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ डिराइव्ड है बाकी के दोनों कॉलम से, सो इसलिए उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। बट आई गेस मैंने अपना पॉइंट कन्वे कर दिया कि एडजस्टेड आर टू स्कोर आपको तब हेल्प करेगा जब आपके पास ज्यादा कॉलम्स हैं, और कई बार ऐसे कॉलम्स आप ऐड कर रहे हो जो बहुत इफेक्टिव नहीं है आपके आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए, उस तरह के सिनेरियो में एडजस्टेड आर टू स्कोर शुड बी यूज्ड, ठीक है। तो दैट्स इट, इतने ही। आपको अगर रिग्रेशन मैट्रिक्स अच्छे से याद रहे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट यू शुड डू इज एक कोई प्रोजेक्ट उठा के लीनियर रिग्रेशन लगा के यू शुड फाइंड आउट दीज 5 मैट्रिक्स, इफ पॉसिबल खुद से कोड करने का ट्राई करो, ठीक है, दैट वुड बी इनफ। ये एक चीज पढ़ाना जरूरी था। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।